क्या आप लोग जानते हैं कि आर्शम और गैलेक्टस की एक फाइट पहले हो चुकी है और ये सारा एमसीयू में ही हुआ है, जो कि हमें फ्यूचर में जाके पता चलेगा। लेकिन इस थ्योरी पर जाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी इटर्नल्स की डिटेल समझाने की कोशिश करूंगा। जो मूवी है, कई लोगों ने ये मूवी देखी नहीं है, जिन्होंने देखी है काफी लोगों को समझ नहीं आई, तो उन सब लोगों के लिए मैं 2 मिनट लगाकर पहले इटर्नल समझा दूं, क्योंकि अगर आपको इटर्नल्स का नहीं पता तो आपको ये थ्योरी समझ नहीं आएगी, और मैं चाहता हूं कि हर बंदे को ये थ्योरी समझ आए। तो 2 मिनट दीजिएगा मुझे ताकि मैं आपको इटर्नल समझा दूं, फिर उसके बाद इस थ्योरी की तरफ आते हैं। इटर्नल्स मूवी में उन्होंने हमें ये एक्सप्लेन नहीं किया कि सेलेस्टियल्स आए कहां से, लेकिन उन्होंने ये हमें बताने की कोशिश किया कि सेलेस्टियल्स बहुत पहले से हैं, यूनिवर्स के शुरू होने से पहले से हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने, ऐसे समझ ले, यूनिवर्स बनाई है। अब जरा गौर करें कि ये जो सेलेस्टियल्स हैं, इनको बच्चे पैदा करने का बहुत ज्यादा शौक है। ये चाहते हैं कि इन जैसे और सेलेस्टियल्स भी हों। तो इन सब सेलेस्टियल्स में इन सब का एक बहुत बड़ा अबू है जिसका नाम है आर्शम। वो करता क्या है कि हर प्लेनेट पर जाता है, वहां पर एक ऐसी हरकत करता है कि कुछ कतरे उस प्लेनेट की कोर पर गिर जाते हैं, यानी कि प्लेनेट के ऊपर खड़ा होकर वो हरकत करता है, और ये हरकत करने से वो जो प्लेनेट है वो प्रेग्नेंट हो जाता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई प्रेग्नेंट हुआ है तो वो बच्चा भी पैदा करेगा, तो इसी तरह जब कोई प्लेनेट प्रेग्नेंट होता है तो वो एक नया सेलेस्टियल पैदा करता है। अब ये सारी बातें उन्होंने एमसीयू की मूवी इटर्नल में समझाई है, लेकिन उन्होंने काफी शुगर कोट करके समझाई है। बात यही की है उन्होंने, लेकिन वो काफी शुगर कोटेड वर्जन है। मैं आपको आसान अल्फाज में बता रहा हूं कि क्या करते हैं सेलेस्टियल्स। अब आप इस तरह सोचें कि प्लेनेट प्रेग्नेंट है और उसके अंदर जो सेलेस्टियल है उसको एनर्जी चाहिए, जिस तरह पेट में बच्चे को एनर्जी चाहिए होती है बड़े होने के लिए, इसी तरह उस सेलेस्टियल को एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी आती कहां से है? जैसे जैसे वहां पर जो लोग रहते हैं, ह्यूमन रेस समझ लें, तो वो बढ़ते जाते हैं, इंटेलिजेंट होते जाते हैं, तो उससे उसको एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी मिलते मिलते इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो प्लेनेट का पेट फाड़ कर बाहर आ जाता है, जिससे प्लेनेट तबाह हो जाता है। अच्छा, थोड़ा सा और सोचें कि फर्ज करें एक लेडी प्रेग्नेंट है और उसको कोई बीमारी लग जाती है, तो डॉक्टर क्या करता है? उसे दवाई देता है ताकि वो बीमारी का मुकाबला कर सके। अब इसी को सेलेस्टियल की फॉर्म में समझे हम इस तरह कि सेलेस्टियल पैदा होना है और जो आर्शम है वो चाहता है कि सेलेस्टियल पैदा हो, लेकिन उस प्लेनेट पर रहने वाले जो लोग हैं उनके साथ कुछ ऐसे बंदे भी हैं जो प्रेडेटर्स हैं। जैसे फर्ज करें हमारे यहाँ शेर है, शेर बंदा खा लेता है, तो शेर एक प्रेडेटर है। अब जब वो बंदा खाएगा तो लोगों की तादाद कम होती जाएगी तो एनर्जी कम होती जाएगी, एनर्जी कम होगी तो उस सेलेस्टियल को कम एनर्जी मिलेगी, और अगर सेलेस्टियल को कम एनर्जी मिलेगी तो उसको प्लेनेट फाड़ कर बाहर आने में ज्यादा टाइम लग सकता है। तो आर्शम ने क्या किया कि एक नए सिंथेटिक बींग्स बनाए, जिसको उसने डिवियंट्स का नाम दिया, और उसने उन प्लैनेट्स पर रख दिया ताकि वो वहां पर मौजूद प्रेडेटर्स को खत्म कर सके। बेसिकली उसने शेर के शिकारी बना दिए वहां पर, ताकि वहां पर जितने भी शेर हों वो उनको खत्म कर सके, जिसे हम उसी तरह जिस तरह डॉक्टर दवाई देता है ताकि मर्ज खत्म हो सके। लेकिन कई दफा ऐसा भी होता है कि जो गोली डॉक्टर ने दी है वो साइड इफेक्ट भी कर जाती है, तो इसी तरह जो डिवियंट बने वो भी साइड इफेक्ट कर गए, यानी कि उन्होंने प्रेडेटर्स को खत्म तो कर दिया लेकिन वो खुद प्रेडेटर बन गए, और जो वहां पर रेस रहती है, यानी कि सपोज ह्यूमन है, तो वो उन इंसानों को खाना शुरू हो गए। अब जब डॉक्टर ने एक गोली दी, उसका साइड इफेक्ट आ गया, तो उसको खत्म करने के लिए डॉक्टर एक और गोली देता है। तो इसी तरह डिवियंट्स को रोकने के लिए आर्शम ने एक नई सिंथेटिक बीइंग बनाया, जिसको उसने नाम दिया इटर्नल्स का, जो कि इन डिवियंट्स को खत्म करने के लिए रखे गए थे। और इन इटर्नल्स का काम यह था कि वहां पर मौजूद जितने भी डिवियंट्स हैं उनको खत्म किया जाए और इंसानों को प्रोग्रेस करने में आसानी हो इनसे। तो इटर्नल्स का काम बेसिकली ह्यूमन पॉपुलेशन को इंक्रीज करवाना था और साथ साथ उनको इंटेलिजेंट भी करना था, ताकि वो लोग ज्यादा एनर्जी बनाए, ज्यादा एनर्जी बनेंगी तो वहां पर मौजूद जो सेलेस्टियल है उसको ज्यादा एनर्जी मिलेगी और वो आसानी से पैदा हो सकेगा। तो बेसिकली ये है इटर्नल्स का मेन प्लॉट पॉइंट। होपफुली मैं आपको आसान अल्फाज में समझा पाया हूं कि इटर्नल मूवी क्या है। अच्छा, ये तो हो गए इटर्नल्स और सेलेस्टियल्स। अब आते हैं थोड़ा गैलेक्टस की तरफ। अभी जो मुझे लग रहा है कि एमसीयू में जिस तरह वो गैलेक्टस को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, मैं उस हिसाब से आपको थोड़ा ओरिजिन बता रहा हूं। कॉमिक्स में थोड़ा डिफरेंट है, मैं थोड़ा डिफरेंट करूंगा। अब इमेजिन करें कि आप एक प्लेनेट पर रहते हैं, आप उसके बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, यानी कि जैसे क्रिप्टॉन पर जोरेल था, जिसने बताया था कि प्लेनेट तबाह होने वाला, लेकिन उसकी कोई सुन नहीं रहा था। इसी तरह उस प्लेनेट पर एक बंदा है जो कि बहुत बड़ा साइंटिस्ट है और वो लोगों को बता रहा है कि ये प्लेनेट तबाह होने वाला है। वो प्लेनेट कैसे तबाह होने वाला है कि उसमें जो आर्शम ने सीड डाला है वहां से सेलेस्टियल बनकर बाहर निकलेगा और वो प्लेनेट तबाह हो जाएगा। तो वो साइंटिस्ट अपनी पूरी कोशिश करता है अपने प्लेनेट को बचाने के लिए, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता, तो वो वहां से निकलने की कोशिश करता है, और निकलते हुए उसका किसी कॉस्मिक एनर्जी से वास्ता पड़ता है और वो उससे टकरा कर वही एक कॉस्मिक बींग बन जाता है, जिसको लोग गैलेक्टस के नाम से जानते हैं। अब एक बंदा है जिसने आपका
घर तबाह किया है, तो आप क्या करेंगे, उससे बदला लेंगे। तो गैलेक्टस अब सेलेस्टियल से बदला लेने के पीछे पड़ा हो, यानी कि वो लोग जिन्होंने उसका प्लेनेट तबाह किया अब वो उन्हें तबाह करेगा। अब आप लोगों को इतना तो पता होगा कि जो गैलेक्टस है वो प्लेनेट खाता है, यानी कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, उसके पास डिस्ट्रक्शन की और क्रिएशन की पावर दोनों है। तो सेलेस्टियल ये चाहते हैं कि उनकी आबादी बढ़े, उन जैसे और सेलेस्टियल दुनिया में आए, और गैलेक्टस उन प्लैनेट्स को ढूंढ रहा है जिसमें वो अपने सीड डाल रहे हैं, और जिन प्लैनेट्स में वो अपने सीड डालते हैं वो उन प्लैनेट्स को जाकर खा जाता है, यानी कि खत्म कर देता है, ताकि नया सेलेस्टियल पैदा ना हो। बेसिकली वो यूनिवर्स का बैलेंस बरकरार रखने के लिए बनाया गया है, और सेलेस्टियल्स की जो आबादी है उनको कंट्रोल करने के लिए भी बनाया गया है। अच्छा, अभी जैसे मैंने कहा कि गैलेक्टस उन प्लैनेट्स को ढूंढ रहा है कि जिनमें वो सीड मौजूद है, तो अब वो खुद तो नहीं जाकर ढूंढता, तो उसने उस काम के लिए एक बंदा रखा है जिसका नाम है सिल्वर सर्फर। अब वो सिल्वर सर्फर उसके पास कैसे आया वो भी मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। तो हुआ ये था कि गैलेक्टस एक प्लैनेट को खाने वाला होता है, तो वहां पर जो उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है उस रेस का, वो उनसे कहता है कि तुम अपनी भूख पूरी करने के लिए हम सबको खत्म कर दोगे, और वो गैलेक्टस को ये ऑफर देता है कि अगर मैं तुम्हारे लिए और इस तरह के प्लैनेट्स ढूंढ दूं तो तुम हमारे प्लैनेट को बख्श दो। यानी वो बंदा गैलेक्टस की गुलामी में आ जाता है और उसके लिए नए प्लैनेट्स ढूंढने चला जाता है, जिसको अब हम सिल्वर सर्फर के नाम से जानते हैं। अब जब आर्शम को ये पता लगता है कि कोई एक बीइंग है जो उन प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है जहां पर वो सीड मौजूद है, तो वो अपने 2-4 मुस्टंडे सेलेस्टियल लेकर उसके साथ लड़ने चला जाता है, जहां पर उनकी होती है एक फाइट जिसमें आर्शम बहुत ज्यादा जख्मी भी हो जाता है और उनमें से एक सेलेस्टियल मारा भी जाता है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, एक सेलेस्टियल मारा भी जाता है जिसका टूटा हुआ सर, यानी कि सर धड़ से अलग हुआ, हमने गार्डियन ऑफ गैलेक्सी में देखा था, जिसके पार्ट्स को लोग ब्लैक मार्केट में बेच रहे थे। तो तब लोग सोच रहे थे कि इस सेलेस्टियल को किसने मारा, तो मेरा अंदाजा यह है कि इस सेलेस्टियल को गैलेक्टस ने मारा है, और गैलेक्टस ने आर्शम की भी अच्छी खासी धुलाई की है, क्योंकि अगर आप आर्शम की बॉडी देखें तो उसके ऊपर आपको डैमेजेस के निशान दिखाई देंगे, लेकिन अगर आप किसी नॉर्मल सेलेस्टियल की बॉडी को देखेंगे तो वो आपको काफी क्लीन फील होगी। यानी इस सेलेस्टियल आर्शम को किसी ने धोया है, और वो धोने वाला कोई और नहीं गैलेक्टस है। अब अगर ये सारी स्टोरी होती है एमसीयू में, तो आप इमेजिन करें कि आपको एक मिनी सीरीज मिले 3 एपिसोड की, जिसमें हमें गैलेक्टस और इन सेलेस्टियल के दरमियान फाइट दिखाएं। आप इमेजिन करें कि पहली एपिसोड में हमें वो समझाएं कि इन लोगों की फाइट होने वाली है, वो क्यों होने वाली है, क्या रीजन है इसके पीछे। दूसरी एपिसोड और तीसरी एपिसोड का हाफ फाइट में गुजर जाए, यानी कि आपको अखीर लेवल की फाइट देखने में मिले सेलेस्टियल और गैलेक्टस के दरमियान, जिसमें आर्शम की वो अच्छी खासी धुलाई करे, और तीसरी एपिसोड का जो हाफ होगा वो हमें उसके आफ्टर मैथ दिखाएं कि उनकी फाइट से क्या क्या नुकसान हुए हैं, क्या क्या फायदे हुए हैं, जो भी चीजें हैं वो तीसरी एपिसोड का हाफ हमें उसमें लगाएं। अगर ये ऐसी मिनी सीरीज हमें मिल जाए, मैं कहता हूं नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। और अगर आपने इटर्नल देखी है, और जो साइज उन्होंने आर्शम का दिखाया है जब वो एंड पे सामने आता है और लेके जाता है सर्सी को, अगर उस तरह ये गैलेक्टस को दिखाएं, मैं कहता हूं मजा आ जाएगा। खैर, ये एक थ्योरी थी, मुझे बड़ी नेक्स्ट लेवल थ्योरी लगी, मैंने सोचा कि आप लोगों को ये थ्योरी पता होनी चाहिए, और मैंने कोशिश किया है कि बहुत बहुत ज्यादा आसान अल्फाज में आपको समझाऊं कि हर बंदा समझ सके कि इटर्नल्स कौन है, सेलेस्टियल्स कौन है, और ये क्या करते हैं, और गैलेक्टस किस तरह उनके साथ पंगा लेगा। बाकी अगर आपको मजा आया है तो आप कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपको ये थ्योरी कैसी लगी।